जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 09111 वलसाड हरिद्वार सुपरफास्ट विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन वलसाड और हरिद्वार स्टेशन के बीच मंगलवार को चलती है। ट्रेन 14 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1435 किलोमीटर की दूरी लगभग 24 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 62 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले वलसाड स्टेशन पर आकर रुक जाती है और दोपहर 3:20 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट नवसारी स्टेशन है और यहाँ ट्रेन दोपहर 3:46 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट सूरत स्टेशन है और यहाँ ट्रेन शाम 4:16 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट अंकलेश्वर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन शाम 4:56 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट वडोदरा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन शाम 6:27 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट गोधरा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 8:08 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट दाहोद स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 8:48 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट रतलाम जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 10:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट कोटा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 2:05 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट सवाई माधोपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 3:13 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट भरतपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 5:38 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 8:35 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन सुबह 9:24 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट मेरठ नगर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन सुबह 10:16 पर पहुंचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट रुड़की स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 1:24 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां और आखिरी हॉल्ट हरिद्वार स्टेशन है और यहां ट्रेन दोपहर 2:40 पर पहुंचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।